यादव समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों ही अपनी सांसदी से इस्तीफा दिया है, आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में अब अटकलें तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें, साल 2014 से ही मुलायम परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है। मुस्लिम यादव बहुल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीते 8 सालों से मुलायम परिवार का कब्जा है। मोदी लहर के बावजूद भाजपा आजमगढ़ में कमल खिलाने में हमेशा नाकामयाब ही रही है। मुस्लिम यादव फैक्टर के जरिए मुलायम सिंह ने इस सीट को जीतकर सपा का वर्चस्व कायम किया था। साल 2019 में अखिलेश यादव ने इसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहाँ पर अखिलेश ने हराया था। अब इस सीट से अखिलेश ने जब इस्तीफा दिया है, यहाँ से पार्टी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। जो जानकारी सामने आई है उसे लेकर भी आपको बता दें कि डिंपल यादव भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।